कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। साल 2014 के आम चुनाव में मां गंगा के बुलाने पर बनारस पहुंचे पीएम मोदी। इस बार गलियों से जकड़े बाबा विश्वनाथ को मुक्त कराने का काम पूरा करने के इरादे से आ रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो, कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। पूर्वांचल की सियासत की धुरी माने जाने वाले काशी में मोदी 25 अप्रैल को नामांकन करने पहुंच रहे हैं। पहले से मोदी रंग में रंगी काशी पर भगवा का और गाढ़ा रंग चढ़ाने की तैयारी में जुटी बीजेपी मोदी के नामांकन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है। बीजेपी के खास सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस बार बनारस में 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो निकालकर विपक्ष को बीजेपी की ताकत का एहसास कराएंगे। काशी के दुलारे सांसद रहे नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीएचयू यूनिवर्सिटी के पास लंका से शुरू होकर गंगा तीरे दशाश्वमेध घाट पर समाप्त होगा। इस दौरान पीएम मोदी का काफिला संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, भेलूपुर चौराहा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र मदनपुरा, बाबा विश्वनाथ मंदिर के मुख्य गोदौलिया चौराहा से होते हुए दशाश्वमेध घाट पर पहुंच सकता है। 25 अप्रैल को रोड शो करने के बाद पीएम मोदी अगले दिन यानी 26 अप्रैल को बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर नामांकन करने जाएंगे। इस लंबे रोड शो के जरिए पीएम मोदी पूर्वांचल साधने की पूरी कोशिश करेंगे। मोदी लहर की जद में इस बार बनारस का पड़ोसी जिला आजमगढ़ भी आ सकता है, जहां से अखिलेश यादव मैदान में उतर रहे हैं। तो आजमगढ़ के सियासी मैदान में अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ उतरते हैं तो उन्हें मोदी के काशी रोड शो का भी फायदा मिल सकता है। भगवा ब्रिगेड का मजबूत किला माने जाने वाले बनारस में मोदी की लोकप्रियता तमाम पैमाने को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, जिससे एक बार फिर मोदी के जीतने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन असली तस्वीर तो 23 मई को ही साफ हो पाएगी कि धर्म नगरी काशी से क्या मोदी दोबारा लोकसभा पहुंच पाते हैं। आजादी के बाद से अब तक बनारस में हुए चुनाव के परिणामों पर गौर करें तो ये देश में समय समय पर चलने वाली सियासी बयार की रफ्तार नापने का पैमाना रहा है। वर्ष 2014 का चुनाव काफी दिलचस्प रहा, जिसकी वजह थी गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में सक्रिय हुए नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में रहे और उनको चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बनारस पहुंचे थे, जो करीब 3 लाख से ज्यादा मतों से बुरी तरह हार गए थे। अब एक बार फिर
दुनिया में वाराणसी के साथ साथ भारत की नई पहचान बनाने वाले नरेंद्र मोदी चुनाव में होंगे तो उनके मुकाबले में कौन उतरेगा, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। क्योंकि सपा बसपा गठबंधन के तहत सपा के खाते में गई इस सीट पर ना तो अखिलेश यादव और ना ही कांग्रेस अभी तक कोई उम्मीदवार तय कर सकी है।